यूं ही। कितनी होती हैं अब, मतलब चार दो स्मिथ प्रोफेसर। हाँ याद आ गया, भूल गई थी। तुम नमाज के लिए उठी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम रोज सुबह इस टाइम पे उठते हो, लाइट ऑन करते हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैंने सोचा आज नमाज पढ़ के खुद ही देख लूँ। अगर कोई चीज नमाज पढ़ते हुए कुछ भूल जाऊँ तो गुनाह तो नहीं मिलता? नहीं, ये अल्लाह और उसके बंदे का आपस का मामला है। अगर नीयत साफ हो तो वो सब कबूल कर लेता है। थैंक यू। वजू किया तुमने? हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, वजू कर लिया। और ये चादर कहाँ से ली? रजिया ने कपड़े दिए थे ना, तो उसमें पड़ी हुई थी। अब ठीक है। अगर कोई चीज गलत करूं तो नोट कर लेना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी इंशाअल्लाह। किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठा रही थी? किम ने कहा था कि तुम्हारे इस घर में कोई नहीं सुनेगा तो घर से भाग जाओ। दादा जान, मैंने किम की बातों में आके कर दिया, मुझे नहीं करना था। क्यों ने तुमने ये सब करने को कहा था? उस वक्त अपनी शर्मिंदगी और बड़ों के गुस्से से बचने के लिए मुझे यही रास्ता दिखा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी खैरियत तो है? कुछ कहना तुम? मुझे माफी मांगनी थी आपसे। भाभी से मैंने बहुत गलत किया, उन पर इल्जाम लगाकर और घर से भागने का सोचकर।
प्लीज मुझे माफ कर दें। इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा तुम आए। तो मुझे माफ कर दिया। हाँ कर दिया। डाउट है आपने? सुरैया मुझे बहुत बड़ा धचका लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इतना बड़ा कदम उठाए। बहुत बहुत मान था मुझे तो, बहुत भरोसा था मुझे तो। सॉरी, अगर वो तुमसे माफी मांगने आई थी तो तुम्हें भी उससे माफी मांगनी चाहिए थी। उसके इमोशंस को ना समझने की माफी, उसे इंसान ना समझने की माफी, उसको इतनी आजादी ना देने की माफी कि वो तुमसे अपने दिल की बात आसानी से बगैर डरे कर सकती थी। अगर मेरे सिबलिंग्स होते तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती। पहले दोस्तों सिबलिंग्स ही होते हैं ना। अब्बा जी चाय। शुक्रिया बेटा। इकबाल जी, सुरैया कैसी है? ठीक है अब्बा जी, अपने कमरे में है। उसका ख्याल रखना बेटा। जी आप फिक्र मत करें, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। कल रात जो भी हुआ उस पर वो शर्मिंदा है। चलो अच्छा है, इतना तो ख्याल आया उसे, लेकिन जो वो करने जा रही थी कर गुजरती तो उसके बाद पूरा खानदान आज शर्मिंदगी के समंदर में डूब चुका होता। मुदस्सर का फोन है। वालेकुम सलाम, कैसे हो? हामिद आ गया? हाँ कहो। अम्मी, सुरैया और हामिद के निकाह के बाद आपको मेरी और हुस्ना की शादी की तारीख तय करनी होगी। दानी, तुम्हें अपनी पड़ी है, दुआ करो कि खैरियत से निकाह हो जाए। मुझे तो सोच सोच कर झुरझुरी आती है, कल वाला हादसा अगर हो जाता तो हम। एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अब्बा और भाई इतने पुरसकून है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई को अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड की पड़ी है, वो कुछ नहीं कहेंगे मैडम को। हम जरा बाहर जा रहे हैं इस वक्त। बेटा शाम को फंक्शन है,
100 काम होते और ये भी जा रही है साथ, इस हुलिये में? जी, ये भी साथ जा रही है। तुमने कुछ पूछा, समझाया अपनी बीवी को या नहीं? अम्मी, कनीज फातिमा ने कुछ नहीं किया और सुरैया ने खुद आके से माफी मांग ली। अम्मी, आप क्यों परेशान करिए भाई को, ये कुछ नहीं कहेंगे, समझा करें ना। तुम अपनी फजूल की बातें बंद करो। इसमें फजूल बात क्या है, इसलिए शादी की थी ना आपने, अमरीका जाना था आपको, आप क्यों बिगाड़ेंगे अपनी बेगम से। कनीज फातिमा, चलो। ये तो काठ का पुतला बन गया, ना लिबास की परवाह है ना पर्दे की, हो क्या गया है दाऊद को? ग्रीन कार्ड। तुम वाकई मान जाओगे? हाँ, अगर लड़का अच्छा हुआ, उसके घर वाले सुरैया के मुखलिस हो तो मान जाऊंगा। दादा जान, अंकल बशारत और रजिया को कौन मनाएगा? भाई, अब सोच बदली है तो कोशिश करूंगा कि इसका असर दूसरे की सोच तक भी पहुंचे। वैसे मैंने देखा है, अच्छी सोच जो होती ना, उसकी कोई हद नहीं होती, वो बिगड़े हुए लोगों तक भी पहुंच जाती। हजरत अली का कॉल है। ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तुम इनडायरेक्टली मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आगे से कहाँ जाना है? मेरा फोन। हम राइट होंगे एंड देन आई थिंक थर्ड स्ट्रीट है। दाऊद कहाँ है? अब्बा जी, वो और उसकी बीवी कहीं बाहर गए हैं। कमाल है, आज रात घर में पूरे खानदान की दावत है और वो घर से बाहर चले गए। ये कमाल तो उस वक्त से हो रहे हैं अब्बा जी, जब से आपने हमारे लिए ये बहू पसंद की है। दाऊद तो वो दाऊद ही नहीं रहा। कोई खास बात है बाबू जी? हामिद आ गया है, मदरसे ने फोन किया था और हामिद से भी मेरी बात कर रहे हैं। तो शुक्र अदा कर रहा हूँ अपने रब का कि कल रात जो होने जा रहा था, अगर खुदा ना खास्ता वो हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाता। मैं तो सख्ते में आ गया था, घबरा गया था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी ही कोई खता थी जिसकी सजा मुझे सुरैया की नाफरमानी की सूरत में मिली। फिर हामिद से बात करके मेरे दिल को कुछ करार आ गया कि अच्छा जोड़ बनाया है मेरे रब ने। सुरैया को भी अकल आ जानी चाहिए कि उसके बड़ों ने उसके लिए जो फैसला किया वो नहीं किया। मुदस्सिर चाह रहा था कि निकाह से पहले वह हमारे यहां आए और मर्दों में बैठकर हक महर का मामला तय कर ले, ताकि ऐन वक्त पर कोई इख्तलाफ ना हो। क्यों बिशारत? जैसा आप मुनासिब समझें बाबू जी।
इस मौके पर दाऊद भी होता तो अच्छा रहता हूं। फोन करो उसे, कब आएगा? कौन ने उठा रहा बाबूजी? शायद कहीं मसरूफ है। वैसे मेरे ख्याल में तो अखबार शराही होना चाहिए। क्यों बाबा जी, हामिद तो अच्छा खासा कमा लेता है, तो फिर शराही हक मेहर क्यों? सोच लो रजिया, अगर सुरैया का हक मेहर इतना लंबा चौड़ा होगा तो हुसना के मुतालिक भी यही सोचा जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों के मशवरे से हक महर शरई रखा जाए। दाऊद को फिर फोन मिलाओ, क्यों नहीं उठा रहा? नहीं बाबू जी, वो दोबारा वही बाबू जी, फिर वो बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे। अब जी मेरी वैसे बात रही थी, से घर पे होना चाहिए था। हाँ वो जरा बेकरी तक गया है चाय का कुछ सामान लेने के लिए। तुम सुरैया के भाई हो? जी। और ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अच्छा, वैसे बता रहा था कि सुरैया के घर वाले बहुत दीनदार और इज्जतदार लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहा था अवैस, डेविड की फैमिली बहुत दीनदार है और ये खुद भी ऐसा है। डेविड? आई मीन दाऊद, मैं प्यार से इसे डेविड कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो वैसे हमारा जिस लड़की को पसंद करता है ना, सुरैया के भाई भाभी हैं ये, और ये उज्मा है मेरी बेटी, उवैस की बड़ी बहन। आप लोग खुद ही आ गए? अब उसूलन तो हमें आना चाहिए था रिश्ता लेके आप लोगों के पास। लगता है जल्दी है बहुत आप लोगों को शायद। दरअसल रात को वैसे घर पे आया था और उसने सुरैया को कन्विंस किया कि इनको भाग के निकाह कर लेना चाहिए। सुरैया ने अपना इरादा बदल लिया और हमें बता दिया। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी बहन घर से भाग रही थी? जी आपके भाई की वजह से, लेकिन वो भागी नहीं, उसने हमें बताया और इसीलिए हम लोग अवैध से मिलने आए। अम्मी ये सब क्या है, ये किस किस्म के लोग हैं? बहन घर से भागने का प्लान बना रही है और भाई और भाभी यहाँ अवैध से मिलने के लिए हमारे घर आ गए? ये तो बहुत ही आजाद ख्याल दिखाई दे रहे हैं। किस किस्म की लड़की को पसंद कर लिया होगा इसने? देखे मुतरमा, हम यहाँ इसलिए आया था कि इस मसले को मिलकर हल कर सके, और मैं उवैस से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरी बहन से मुखलिस है भी कि नहीं। भाई आप तो हमें माफी कर दें, हमें आपकी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। आप तो अपनी बहन का रिश्ता लेके खुद ही यहाँ आ गए, ऐसे लोगों के साथ हमारी नहीं बनने वाली। और जो आपका भाई करने जा रहा था उसमें इज्जत है? मुझे हमदर्दी है आपसे। मुझे अवैस ने बताया था कि आप अपने हस्बैंड से लड़कर यहाँ पर आई हैं, और आप चाहती हैं कि अवैस की शादी आपके हस्बैंड की बहन से हो जाए, इसलिए आप चाहती हैं कि अवैस की शादी सुरैया से ना हो, यही रीज़न है ना? हमें आप सुन रही, ये क्या बकवास हो रही है? कमीज़ फातिमा में चलना चाहिए। हाँ हाँ जाइए आप लोग यहाँ से,
हमें ये रिश्ता नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। अब आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? मैं दुकान जा रहा हूँ। दाऊद अपनी बीवी को लेकर कहीं चला गया है, आप दुकान पर जा रहे हैं, तो मेरे काम कौन करेगा? दानियाल पर तो मुझे वैसे कोई भरोसा नहीं है। कौन सा काम? ये रात के खाने का इंतजाम करना है, मिठाई वगैरह। और हाँ, मैं सोच रही हूँ फिरदौस और उसके घर वालों के लिए कुछ कपड़े और तोहफे भी ले लूँ। बेटी का मामला है ना, तो खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना उन्हें? अमजद का फोन आया था दुकान से, गोदाम में आग लग गई थी। या अल्लाह, खैर, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है वक्त पे आग बुझ गई। अब ये नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ, ये तो जाकर ही पता चलेगा। अच्छा आप जाएं, मगर मुझे तो कुछ पैसे दे जाए ना, मैं इकबाल के साथ। पैसों की बात मत करो, फिरदौस वगैरह को जो तोहफे देने वो बाद में भी दे सकते हैं। ये क्या बात हुई, क्या सोचेंगे वो लोग? उस दिन बहू के लिए तो 5 लाख रुपए फौरन निकल आए थे अलमारी से। अरे सोचने दो, बहन बहने हुई है, क्या हो जाएगा, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और हाँ, वो 5 लाख का जिक्र अब दोबारा ना करना, किसी को पता ना चले। और ये लो, ये पूरे 10,000 रुपए हैं, जो सामान वगैरह मंगाना मंगा लेना, मिठाई वगैरह। ये सिर्फ 10,000 रुपए? अच्छा सुने, आप वापस कब आएंगे? अरे तुम जाने दोगी तो वापस आऊंगा ना। और हाँ, आग का जिक्र किसी से ना करना, सब परेशान हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 10,000 रुपए, या अल्लाह मैं क्या करूंगी इसमें? मैं शायद कभी आना आता, लेकिन कल जो तुमने हरकत की है और उसमें सुरैया को भी शामिल किया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके तुमसे बात करूं। मेरे भाई ने नहीं, आपकी बहन। जी प्लीज, आप चाय बनाइए, मैं बात कर रहा हूं। क्या सोचकर तुमने सुरैया को घर से भागने का बोला है? है क्या तुम्हारे पास? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे, इसलिए मैंने और सुरैया ने सोचा कि हम लोग। सुरैया ने नहीं, सिर्फ तुमने। मोहब्बत करते सुरैया से, शादी के बाद उसे कहाँ रखते? यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारी माँ और बहनों से कबूल ही ना करते, सारी जिंदगी बातें सुना सुना के उसका हशर कर देते। ये इज्जत देते तुम अपनी बीवी को? एक घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं करता, कभी सोचा तुमने? दाद भाई, मैं मना लेता अम्मी को। अंदाजा हो गया कि कितना मना लेते अपनी माँ को और बहन को। मोहब्बत करना बहुत आसान होता है वैसे, लेकिन उस मोहब्बत को इज्जत देना आसान नहीं होता। अगर किसी भी औरत को मोहब्बत के साथ साथ इज्जत ना मिले, उसकी मोहब्बत दम तोड़ देती है। तुम आज के बाद सुरैया से कोई रابطہ नहीं रखोगे, समझे तुम? मुझे अपनी बहन की इज्जत बहुत अजीज है। सुरैया मुझसे मोहब्बत करती है दाऊद भाई। भाभी आप बताइए ना। आई एम सॉरी अवैस, इस बात पे मैं डेविड के साथ हूँ। मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम सुरैया को संभाल लोगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि इन हालात में तुम सुरैया को कुछ नहीं रख सकता। मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, मैं अम्मी को मना लूँगा और बाजी को भी। मैं तुम्हें यह मौका देने ही आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना मेरी बहन के लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ पर आके जो जो सुना है और बर्दाश्त किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि सुरैया का भी वही फैसला होगा जो कनीज़ फातिमा का और मेरा है। तुम आज के बाद सुरैया से रابطہ नहीं करोगे, बस। मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कनीज़ फातिमा चलो। कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने।
मुझे पता तुम्हें भूख लगी। क्या हो गया भाभी? आज सुबह गोदाम में आग लग गई। पिछली बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी से जिक्र मत करना। फिर क्या, तुम्हारे भाईजान सुबह मेरे दिल में आग लगाकर दुकान पर चले गए। क्या हुआ? ये हुआ, अब इतने से पैसे देकर कहते हैं कि निकाह के सारे इंतजामात कर ली। अब भला बताओ 10,000 में क्या होता है आजकल? मुश्किल भी तो ऐसी है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ बशारत भाई कितने परेशान होंगे। और अगर निकाह के इंतजामात तुम्हारी फिरदौस साहब और मुदस्सर भाई के शायाने शान ना किए ना, तो सारी जिंदगी हमें ताने मिलेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आप क्यों परेशान हो रही भाभी? अब्बा जी देख लेंगे सब कुछ। आपने उनको बताया है कि गोदाम में आ गया? अभी नहीं, उन्हें बताकर क्या परेशान करूं? और मुश्किलें कम है जो एक और इजाफा कर दूं मैं? ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। ये खबर इस घर से बाहर नहीं निकली कि सुरैया इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थी और वो कहीं और। खैर, मैं दानियाल को बाजार भेजूं कि खाने का सामान लेकर आए। दानियाल, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ? आखिर सुरैया फिर दो सापा की भी तो भतीजी है और अब तो बहू भी बनने जा रही है। हम क्यों किसी से जिक्र करेंगे? तो सुरैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे मालूम होगा तो कितना हर्ट होगी। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि हमारा रवैया घर की खवातीन के बारे में गलत नहीं होता। हम सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो कोई गलत फैसला ना करें। लेकिन सुरैया के केस से हम ये नतीजा तो नहीं निकाल सकते कि औरतों को फैसला करने का इख्तियार ही ना दिया जाए। औरतों को अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार और इत्माद देंगे तो अपने बारे में कुछ बेहतर सोच सकेंगी और अच्छा फैसला लेंगी। और अगर वो कोई गलत फैसला कर भी रहे, उन्हें शर्मिंदा नहीं करो। सुरैया ने जो भी फैसला लिया उसमें उसकी गलती कम तो मर्दों की ज्यादा है। जब इख्तियार और ऑप्शंस लिमिटेड हो जाए तो पहली अपॉर्चुनिटी ही लास्ट समझ के उसे अवेल कर लिया जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है डेविड के तुम सुरैया की फिक्र कर रहे हो। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। क्या होगा? क्या मतलब? मतलब क्या सुरैया का निकाह वाकई आमिर से कर देंगे? मैं दादाजी से बात करने की कोशिश करूंगा। उसे आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसे ये एक्सपीरियंस भी हासिल होना चाहिए। हो सकता है कि उसे अवैस और हामिद से ज्यादा अच्छा शख्स मिल जाए। जैसे तुम्हें जॉर्ज से बेहतर दाऊद मिला। कह सकते हैं तुम बहुत ऑनेस्ट हो रहे हो और मुझे लोगों में ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ ऑनेस्ट हो? हाँ
अभी तक तो यही फील हुआ है, और कुछ फील होगा तो बता दूंगी। गायब हो तुम दोनों? आप नहीं, कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम से गए थे। बेटा घर में भी जरूरी कामों की लाइन लगी पड़े, खासकर किचन में, उसका भी एहसास कर लो। हो जाएंगे सारे काम, आप फिक्र ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो सुरैया कहाँ है? सुरैया को बाद में मिल लेना, पहले जाके अपने दादा से मिलो, अपने अब्बा की खबर लो। दादाजी से मिल लूंगा, लेकिन पहले मैं जरा सुरैया से मिलूं। तुम कहाँ जा रही हो? अब इकबाल की मदद नहीं करोगी? अरे वो सुबह से अकेली लगी हुई है, और आज तो घर में इतने काम हैं कि क्या बताऊं। इतना सारे काम नहीं होते जितना आप पैनिक क्रिएट कर देते हैं। चार लोग आ रहे हैं बस, और सात लोगों का खाना तो ऑलरेडी इस घर में बनता है, और वो भी वेस्ट हो जाता है। क्या वो लोग ये खाना शेयर नहीं कर सकते हमारे साथ? फातिमा सुन लो अपनी बीवी की बातें, सुरैया का निकाह है आज हामिद के साथ, मामूली खाना नहीं बनेगा, दावत है घर में, जाओ जाकर इकबाल की मदद करो। अरे घर के कामों में हिस्सा नहीं लोगी तो कैसे सीखोगी? आगे चलकर तुम्ही को करना है ये सब। ऑनेस्टली मुझसे ये इतने हैवी ड्यूटी खाने नहीं बनते, बट कटिंग और चॉपिंग मैं कर सकती हूँ, और अगर सुरैया का निकाह हुआ नहीं तो खाना तो वेस्ट हो जाएगा। क्या फजूल बातें कर रही हो, क्यों निकाह नहीं होगा? जरूर होगा, सुरैया को कोई एतराज नहीं है, राजी है वो, और खबरदार जो तुमने उसके कानों में कोई ऐसी वैसी बात डाली तो। दाऊद समझा लो अपनी बीवी को। अच्छा अम्मी मैं समझा दूंगा, आप गुस्सा ना करें, लेकिन कनीज फातिमा सुरैया का दिमाग खराब नहीं करती, प्लीज ऐसी बातें ना करें। हाँ भाई तुम तो अपनी बीवी का ही साथ दोगे ना? अरे अमेरिका जो जाना है, कनीज फातिमा अवैस मिलेंगे थे। वैस क्यों? इसलिए कि शख्स से मिल सकते हैं जिसे मेरी बहन ने अपने लिए पसंद किया, देख सकूं क्या मेरी बहन के काबिल भी है कि नहीं। आपको नहीं मिलना चाहिए था उससे, मैं कर तो रही हूँ जो दादा जान अब्बा जी अम्मी आप लोग जो चाहते हैं कर रही हूँ, मान गई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं मानेंगे। सुरैया हम इसीलिए गए थे कि तुम्हारे हक में सबको मनवा सकें। आप वाकई सबको राजी करेंगे? दादा जान मान जाएंगे वैसे के लिए? पूरी कोशिश करता अगर अवैस उसके घर वाले तुम्हारे काबिल होते। डेविड बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोग उसके घर वालों से मिलके आए हैं, सब तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। सरया अवैस उन्हें नहीं मना सकता,
बार भी बस सब था। ये सारी चीजें इग्नोर की जा सकती, ऐसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। इज्जत कमाने में बहुत वक्त लगता है और वैसे तुम्हारी इज्जत नहीं करा सकता। और उसके घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है। तो मुझे हर हाल में हामिद भाई से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सुरैया, डेविड बात करेगा दादा जान से, राइट डेविड? मैं दादा जान को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सुरैया तुम्हें वैसे एक वादा करना होगा। तुम अगर इसको भूल जाओगे